अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है। अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति बोल बोल के इन लोगों ने हम लोगों को दबा रखा है। हिंदुओं का स्वाभिमान अब नहीं गिरने देंगे। हिंदू जाग चुका है और इन लोगों जगा के इनको लोगों सुना के छोड़ेगा। इन लोगों ने जितना हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, नुपुर शर्मा ने सही जवाब दिया है। हम हमेशा नुपुर शर्मा के साथ रहेंगे, जो करना है कर ले। सर काटते काटते थक जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकने वाले। हम हिंदू है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से, संविधान के तरीके से रहना होगा। यहाँ पर इनकी मनमानी नहीं चलेगी। हमारे संस्कार में सर काटना नहीं है। कि कोई अभिव्यक्ति की आजादी अगर किसी को है, हमें कोई चीज बुरी लग रही है तो हम सर नहीं काटते। हाँ, हम सर कटा सकते हैं, लेकिन आप भी थक जाओगे, हमारा सर काटो। लेकिन हम सच को नहीं दबाएंगे, हम सच बोलेंगे। हिंदू जाग गया है, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन अभी अपने सर कटाएंगे नहीं, अब काटेंगे। अगर हमारे यहाँ अगर अहिंसा परमो धर्म का नारा है, लेकिन पूरा धर्म का नारा ये है कि आप रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हैं, तो अब हम भी शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं। अगर वो एक गर्दन काटेंगे तो काटने के लिए तैयार है। जिस तरीके से उदयपुर में हत्या कर दी गई कन्हैया लाल की, जिनका कोई जुर्म भी नहीं था, जिन्होंने सिर्फ समर्थन में उतरे थे, तो क्या लग रहा है आप सब भी समर्थन में उतरी हैं? हम बिल्कुल समर्थन में हैं। नुपुर शर्मा ने एक एक वर्ड सही कहा है। और ना यकीन हो तो इन्हीं के यहाँ का वो एक नेता है जाकिर नाइक, उसकी वीडियो उठा के देख लीजिए, यही शब्द उन्होंने खुद कहा है। जब उसने कहा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन वही सच्चाई जब हमारे लोगों ने कहा, और कहा भी क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारे शिव जी का अपमान किया, शिवलिंग का अपमान किया, इसलिए नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा। हम नुपुर शर्मा का साथ मरते दम तक देंगे और हमेशा देंगे, समर्थन करते रहेंगे। हम हिंदुओं को डरा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग ऐसे ही इनका विरोध करते रहेंगे। क्या लग रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने के लिए, हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। इनको यहाँ पर बंटवारे के समय ही चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ रहने दिया। ये अगर ये सोचे कि अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर ये हिंदुओं का अपमान करेंगे, देवी देवताओं का अपमान करेंगे, तो ये अब नहीं होगा। अब हिंदुओं को अपमान बर्दाश्त नहीं है। अब गर्दन काटेंगे भी, कटाएंगे नहीं। अब शस्त्र उठाएंगे। अब हर नारी दुर्गा काली बनेगी। भारत देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। तो क्या लग रहा है कि आपके नारे से कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जो सोए हुए हिंदू हैं वो भी जागेंगे, उन्हें भी अपने आत्म सम्मान पे चोट महसूस होगी और वो भी जागेंगे। तो क्या ये प्रदर्शन उन कट्टरपंथियों के मुंह पे तमाचा है? तमाचा है, तमाचा, बिल्कुल तमाचा है। उन कट्टरपंथियों को ये पता होना चाहिए कि शांत हिंदू अगर उठेगा तो क्या कयामत आएगी, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। एक शब्द में क्या कहना चाहेंगी, जरा कैमरे पर बता दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हिंदू जाग चुका है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इंतहा हो गई। ये जानबूझकर हमें उकसाते हैं, ये जानबूझ के हमें उकसाते हैं, हमें उकसाते हैं। हम कब तक उकसेंगे? अब हम सड़क पे आएंगे, हम गलत का साथ नहीं देते हैं। लेकिन अगर स्वाभिमान की बात है, स्वाभिमान के लिए मर कटने के लिए तैयार है। मुस्लिम कंट्रियां विश्व में बहुत सारी हैं, अगर इनको हिंदुस्तान में दिक्कत है तो किसी भी मुस्लिम कंट्री में क्यों नहीं चले जाते? क्यों यहाँ मुंह फाड़ने के लिए पड़े हुए हैं? हम लोगों के यहाँ रहते हैं और हमारा ही अपमान करते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शिव भी है और काली भी है। यहाँ काली और शंकर की दोनों की जोड़ी आज निकली है और काट देगी अगर हिंदू धर्म का अपमान हुआ तो। अच्छा, काली की बात लगातार कर रही है। एक डायरेक्टर है लीना, जिन्होंने काली का पोस्टर रिलीज किया था सिगरेट पीते हुए। वो मुस्लिम धर्म की, एक कट्टरपंथी धर्म की, उनकी ही भेजी हुई, प्लान की हुई एक व्यक्ति है। उनको हम कोई मान्यता नहीं देते। क्या कह रही है? ये उन्हीं की एक ऊंची सोच है, जिसे बना के पेश किया गया है। ये गंदी सोच। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत टाइम पहले बोल गए थे कि तिल की बोली में, एक तरफ तिल की बोली में हाथ डालना और जितना तिल आपकी बाजू पे लग जाए ना, तो इतना भी एक मुसलमान पे विश्वास मत करना। गुरु गोविंद सिंह जी ये पहले, बहुत पहले बोल गए थे कि किसी एक मुसलमान पे विश्वास मत करना। अच्छा मैम, ये गुस्सा कब तक देखने को मिलेगा? ये प्रदर्शन कब तक होगा? जब तक होगा, जब तक उनको उनकी नानी याद नहीं आ जाती, जब तक उनको उनकी औकात याद नहीं आ जाती कि देश में रहने के लिए संविधान जरूरी है, शरीयत नहीं चलेगी।
और शरीयत ही चलानी है तो शरीयत वाले देश बहुत है वहाँ जाए। संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, शरीयत नहीं चाहिए, शरीयत नहीं चाहिए। तरीके से रहिए नहीं तो अपने और किसी देश में जाइए। क्या कह रहे हैं? ये देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं, क्योंकि ये हिंदू है, हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। यहाँ पे हम हिंदू हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदू अपनी बात नहीं बोल सकते, तो कहाँ पाकिस्तान में जाकर रहेंगे? आप ये बताइए, तो पाकिस्तान जाके चलाए वो देश कानून से चलेगा। जब हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तब ये कहाँ बैठे होते हैं? तब न्यायालय क्यों नहीं आगे आके वो कुछ बोलता है? आज जब हमारी एक महिला ने, हमारी नेता ने जब उनकी सच्चाई को सामने लाया है, वो अभी कुछ गलत नहीं कहा, जो उनकी किताब में लिखा है वही कहा है, तो उसके लिए इतना विरोध, गर्दन काट दी जाती है? क्या जानते हैं ये लोग? चले जाएं ये हिंदुस्तान छोड़ के, अगर ये सलामती चाहते हैं अपनी, तो अगर हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ के संविधान के मुताबिक रहना होगा, यहाँ के कानून के मुताबिक रहना होगा, जो सबके लिए बराबर है। और यहाँ जाना ही पड़ेगा उनको, हर हालत में जाना पड़ेगा। क्यों हिंदुओं को काट रहे हैं? तुमको जाना पड़ेगा, हर हालत में जाना पड़ेगा। सनातन धर्म से ही विश्व में शांति आ सकती है। विश्व को अगर रास्ता दिखाना है शांति का, तो सनातन धर्म ही दिखाएगा। ये जितने ही अब्राहमिक रिलीजन हैं, मजहबी हैं, ये मार काट में विश्वास करते हैं। सनातन धर्म शांति का संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहता है। अगर दुनिया में शांति लानी है तो सनातन धर्म की जय करनी होगी। भारत माता की जय। मैम, लगातार प्रदर्शन में महिलाओं का जमावड़ा जो है देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा गुस्सा है, कितने किस तरीके से इस बवाल को देख रहे हैं? किस चीज का गुस्सा? नुपुर शर्मा के बयान से जो ये बवाल हुआ है, किस तरीके से जो ये प्रदर्शन लोग सड़कों पर उतरे हैं? जो लोग इस देश में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश भारत संविधान से नहीं चलेगा, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जिहादी और सरिया से नहीं चलेगा ये देश, ये संविधान से चलेगा। और हम सब हिंदू संगठित है, अलग नहीं है। और जो वो इस तरीके के जो कुछ लोग, हम वो अपने हम 80% है, तो हम लोग मतलब संगठित इसीलिए होने आए हैं सारे हिंदू समाज, और हमें आंख दिखा रहे हैं, हमें गला काट के चले जा रहे हैं, ठीक है? तो भारत संविधान से चलेगा, जिसको भारत में रहना होगा संविधान को मानना होगा, भारत में सरिया और जिहाद नहीं चलेगा। अच्छा, एक महिला होने के नाते किस तरीके से देख रही है कि नुपुर शर्मा को गला काट देने की धमकी दी गई, किस तरीके से देख रही है? देखिए, मैं तो ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी इस पर, हमारी देवी देवताओं का अपमान होगा तो कोई भी महिला अपने माँ को, अपने भारत माता को अपमानित होते हुए नहीं देखेगी। उसका जवाब, और उसका ये कहना नहीं था, उसने ये कहा कि यदि मैं कहूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि गाली दिया, उसका जवाब देने के लिए कर रही थी। तो जो लोग वो उनका उनका विचारधारा ही अलग है, वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं, वो उन्हें हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना, हमारे देश में मुसलमान भी अच्छे हैं और मिलजुल के भी रहते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो आतंकवादी से जुड़े हुए हैं, इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, वो सब ऐसे काम कर रहे हैं। कि अगर आप हमारे धर्म पे हमला करेंगे तो बस उसको जवाब दिया गया है और जवाब देने में कोई हानि नहीं है। जैसे आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो हमारे धर्म का भी सम्मान कीजिए, हम आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करते, तो वही आपको अपने पर ये दायित्व लेके चलना होगा कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सामने से आपको कोई काउंटर अटैक कर रहा है तो आप उसके लिए डिफेंसिव नहीं होंगे, क्योंकि सब धर्मों को भारत में इक्वालिटी के साथ अपने धर्म को मानने का हक है, जो हर धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। केवल ये हिंदू का दायित्व नहीं है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करें। हाँ, आज के टाइम पे हिंदू अपने लिए बोलना सीख गया है, अपने लिए खड़ा होना सीख गया है। आज भी हमने शांतिपूर्वक एक पद यात्रा यहाँ पे शुरुआत की है, जो हम शांतिपूर्वक करेंगे। मैं किसी भी धर्म पे उंगली नहीं उठा रही, लेकिन हिंसा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर शांतिपूर्वक किसी चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया डिबेट शो में, वहीं कुछ दिन बाद एक सैफुद्दीन ने बयान दिया था शिवलिंग को लेकर, तब कोई बवाल नहीं हुआ। तो हम क्या सोचें कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे अल्पसंख्यक जो एक बहुसंख्यक के रूप में है उन पे हावी होना चाहते हैं। आप इसी से हिंदुत्व की शक्ति को, हिंदुत्व की सोच को समझ सकते हैं कि हम एक अल्पसंख्यक पे भी हावी नहीं होते, उनको इक्वालिटी का दर्जा दे रहे हैं। अगर वो शिवलिंग को, चलो अभी प्रूफ नहीं हुआ शिवलिंग है क्या है, फाउंटेन है, लेकिन आप किसी के भी धर्म को आहत नहीं कर सकते।
सकते, हमारे हृदय में बसते हैं शिव, हमारे हृदय में बसते हैं राम। तो आप किसी को भी, किसी भी धर्म को आपको उंगली उठाने का आप पे कोई भी हक नहीं है। अच्छा, हम भारत में रहते हैं, भारत संविधान से चलता है, उसी संविधान में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वही जब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला गया, उसके समर्थन में उतरा गया, तो उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। ये कितने हद तक सही है? ये बिल्कुल हद तक सही नहीं है। अगर कोई अपने धर्म को मान रहा है या अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहा है और इसमें कोई वो हिंसा नहीं कर रहा, तो आप ये बर्बाद हत्या करके, इतने निर्दयता से हत्या करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं और क्या आप प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आप इस देश में रहने लायक हैं? और रहने लायक हैं आप, बिल्कुल रहने लायक हैं। हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि हम सबको इक्वालिटी देते हैं और सबको यहाँ पे रहने, जबकि ऑल दो आप देखेंगे हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू है, लेकिन फिर भी और देशों की तरह उनके नाम के अकॉर्डिंग हम खाली धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इक्वल रहने का हक है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में ये बोला भी जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हम ही उसी भाईचारे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हत्या को तो मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगी और किसी भी हत्या को अप्रिशिएट नहीं करूंगी। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बोला है, कानून है, नुपुर शर्मा ने उसके लिए सॉरी बोला है और एक छोटा सा बच्चा उसका समर्थन कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि छोटे से बच्चे में भी ये समझ है कि उसको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो प्लीज ये सब बंद कीजिए, और ये सब करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है किसी भी धर्म के खिलाफ और किसी भी धर्म में। अच्छा, हत्या करने के बाद एक वीडियो डाली गई जिसमें नुपुर शर्मा की गला काटने की बात की जा रही थी, उसके बाद कपिल मिश्रा को धमकी मिली, तो क्या लग रहा है कि इन धमकियों से लोग डर जाएंगे, क्या बोलना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं डरेंगे, डरने के अगर डरे होते, अभी देखिए हमने हथियार नहीं उठाए हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग हिंदू जमा है, अभी और आएंगे और हम ऐसे ही एकत्र होके शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, अपनी चीजों को कहेंगे सबके समक्ष, और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक हमारी बात पहुंचेगी। क्या लग रहा है कि ये जो आज जनता जुटी है, जो एकजुट हुई है, क्या इस एकजुटता से लोगों में वो चीजें आएंगी, क्या उनकी मानसिकता बदलेगी जो ये कट्टरपन फैल रहा है? कट्टरपन किसके, किस उसमें, मतलब जो मुस्लिम लोग ये लगातार निहत्थे लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, क्या वो बदलाव आएगा? देखिए, मैं किसी भी धर्म को टारगेट करके नहीं बोलूंगी कि मुस्लिम ने किया या हिंदू ने किया, लेकिन जिसने भी किया, मैं धर्म के लिहाजे से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी भी धर्म में अगर ये हो रहा है, अगर हिंदू भी ये कर रहा है तो बहुत गलत है, और अगर मुस्लिम कर रहा है तो अपने उसको अपने ऊपर लीजिए और उनमें सुधार लाइए, क्योंकि ये किसी भी बात को, अगर आप पे राइट टू स्पीच है, दैट डजंट मीन कि हम कुछ भी करेंगे या कुछ भी कहेंगे। राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को जीने का हक नहीं देंगे, राइट टू लीव भी है यहाँ पे कि इक्वालिटी से, राइट टू इक्वालिटी है हमारे देश में, तो इक्वालिटी से सभी धर्म को जीने का हक है, और प्लीज जीने दीजिए, हम आप पे दबाव नहीं डाल रहे, तो आप मत दबाव डालिए। हिंदू चुप नहीं रहता है और ना रहेगा, शांतिपूर्वक तरीके से ही, लेकिन हम अपनी बातें जरूर रखते रहें।